ये सब कंजर पार्टी है यहाँ पे आई हुई। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वंस अगेन वेलकम माय न्यू ब्लॉग। सो ये रही सानवी, आज सुबह की शुरुआत ब्लॉग की हो रही है सानवी के साथ। सो अभी टाइम देखो आप ऊपर क्या हो रहा है, 9:30 हो चुके हैं। सो काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ी देर हो गई उठे हुए, ब्लॉग भी अपलोड करना था, ब्लॉग भी अपलोड कर दिया। सो अभी प्रिया सानवी उठी हुई है, पीयूष भाई सो रहा है अभी से। सो फर्स्टली हैप्पी बैसाखी टू ऑल गाइस। सो बैसाखी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। सो गाइस आज है बैसाखी, और आज है बैसाखी, आज का त्यौहार मैक्सिमम लोग सारे मतलब बनाते ही हैं, एक दूसरे के साथ घरों में जाते हैं। इस त्यौहार में बात की जाए अगर बच्चों की, तो बच्चे जो हैं वो बहुत ही धूमधाम से बनाते हैं। सो बच्चे की खुशी तो देखने के लायक होती है, क्योंकि उन्हें एक मौका मिल जाता है, मतलब झूला लगाते हैं वो, जब पेड़ आगे पीछे देखा जाए पेड़ की डालियों में वो जो है रस्सी बांध के झूला लगाए रखते हैं भाई, तो झूले में आगे पीछे घूमते भी रहते हैं वो, मतलब जैसे एक किस्म का हम अपनी लैंग्वेज में बोले जब उसे बोलते हैं पिंक, पिंक भी बनाते हैं और पिंक भी लगाते हैं वो। जैसे कि बात की जाए, जैसे कि दिवाली में हम चलाते हैं पटाखे और होली में रंग के साथ खेलते हैं, और अगर राखी हो तो धागों के साथ मनाते हैं रक्षाबंधन। सो उसी तरह से अगर बात की जाए हमारी बैसाखी की, तो बैसाखी हम बहुत ही धूमधाम से बनाते हैं, एक पर्व त्यौहार है। और अगर बात की जाए, अगर सबसे ज़्यादा बात की जाए बैसाखी, तो वो बनती है पंजाब में, बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाया जाता है वहाँ पर भी। करने लगी हूँ ब्रेकफास्ट, राजमा चावल, और ये रहा साग मामी ने बनाया है कड़म का, और ये रही पूड़ियाँ, और ये रही हमारी चपाती। सो पहले कर लेते हैं फटाफट जल्दी से ब्रेकफास्ट, फिर मिलते हैं आपको ब्रेकफास्ट करने के बाद। ये है माजा, और ये मतलब माजा का यूज़ मैंगो का लाया है पीयूष ने, और ये साथ में लाए हैं टेढ़े मेढ़े, और ये मेरा भाई टेढ़े मेढ़े खा रहा है। सो अभी हम कर रहे हैं ब्लॉगिंग, खुद खा रहे हैं, मेरे को दे रहा था। ओह उल्लू बना, वाह ऊपर ही दो पाइपों के साथ पी रही है जूस। बस अभी मैं निकल रही हूँ जानवी के घर के लिए, अभी शाम के बज रहे हैं 5:30, और पीयूष और बेबी जिद कर रहे हैं कि हमें साथ लेके चलो। सो देखती हूँ, सो अभी जानवी के घर जा रही हूँ, उससे डिस्कशन करने हैं, क्योंकि सोच रही हूँ कि कल उसे साथ लेके कहीं जाऊँ ब्लॉग बनाने के लिए। सो चलते हैं उसके घर, मिलते हैं बाहर जाके। हाय गाइस, हाय कद्दूपौरी, हाय गाइस। सो अभी हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जान दीदी के घर। हाँ सो स्कूल देखेंगे, कल स्कूल जाएंगे पास, अभी जानू के घर जा रहे हैं। सो देखते हैं आज धीरे से ध्यान से, पीयूष को हमने, भाई को हमने साथ क्यों नहीं लाया, वो जिदगार था, मामी बोर्ड थे बेबी को लेके चले जाओ, तो पीयूष को रहने दो घर पे, है ना बेबी? हाँ। अभी हमें मिली गोट, अभी मैं जानू के घर से होके आ चुकी हूँ, वहाँ पे ब्लॉग नहीं बना पाई। सो अभी हमारे लिए मामू ने लाई है आइसक्रीम, सो ये है रबड़ी, और मैं आपको और भी बता दूँ, सांस फूल गई क्योंकि भागते बताया है पीयूष ने बाल गई, दीदी जल्दी आ जाओ पापा ने आइसक्रीम लाई है, ये कौन है मैं आपको बता देती हूँ। ये रहे कौन, ये बेबी, बेबी क्या खा रही हो, कौन खा रही हो, टेस्टी है? नहीं नहीं टेस्टी है, ठंडा भाई आप भी खा लो, कौन, हाँ जो मर्जी खा लो। और यहाँ पे बाइक चल रही है गेम, अभी मैं जा रही हूँ मामी के घर से, मतलब घर पे थी वो, रोड भी आ रही हूँ सड़क में, मेरे को मिले एक भैया, सो मैं आपको मिलवाती हूँ उनसे, उनके पास है साइकिल, तो मैंने बोला साइकिल दोगे चलाने के लिए, बोलते ब्रेक बिल्कुल नहीं है। सो साथ में इस जगह में हाईवे टलाई है, यहाँ से तो आने भी होगा नीचे, मेरे से तो कंट्रोल भी नहीं होती, घर पर बाइक चलाती हूँ उसके तो ब्रेक हैं, मैं मिलवाती हूँ। तो रोजे रखे हैं आपने, रोजे रख के साइकिल चला रहे हो, ऐसा दिन को कुछ खा लिया हो आपने, ऐसा कुछ नहीं है? सो मैं बोल रही थी साइकिल चलाने के लिए है कोई ब्रेक नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ना। फिर नहीं मैं चला पाऊंगी, क्योंकि घर पे बाइक ही चलाती है, उसकी तो ब्रेक ही होती है, बताना है तो है भाई, तू मेरे साथ झूठ बोल रहा है, ऐसा तू लेके जा हाँ नीचे, ब्रेक लगाना, लगा पूरी ब्रेक, लग रही है लेकिन दूर से, आ देगा मेरे को चलाने के लिए, आ जा वापिस आ जाए यहाँ से,
भाई आ जा जल्दी, जब तक पीछे से गाड़ी आती। ये ले तू ना, तू ना ब्लॉग बना ना, तो मैं साइकिल चलाती हूँ। अच्छा मजा नहीं है ना? गाड़ी में आज भाई तेरी ये साइकिल कैसी है? सब्जी ब्रेक तो बिल्कुल भी नहीं है। कंट्रोल की है, गिरने वाली होगी थी वो नीचे मेरे को देखे हंस रहे हैं। चलो भाई गाड़ी आ गई, साइड पे हो जा, साइड पे हो जा, साइड है गोड, मैं जल्दी आ गई वरना आज हड्डी मछली टूट जानी थी मेरी। गाइस नाम बता दो अपना, तो कहाँ रहते हो? ले जाएगा साइकिल, तेरे को आदत होगी, तेरी सीट भी बहुत पीछे है। तो साइकिल चला रही है, दिल मेरा अभी तक भी धक धक कर रहा है, कम नहीं लग रही है मेरे को, क्योंकि सही बात बता दूँ, मेरे साइकिल तो बिल्कुल कंट्रोल नहीं हुई। नीचे गई तो साइकिल की जो थी ब्रेकें बिल्कुल भी नहीं थी, सो मैं साइकिल से पहले उतरी फिर साइकिल को कंट्रोल किया। सो थैंक गॉड बच गई, आज बाल बाल बच्चे, आगे थी गाड़ी, हो जाना था काम सत्यानाश मेरा। सो अभी मैं आई हुई हूँ ऊपर सड़क में मामी और के घर से, तो अभी मैं मामी और के छत पे, यहाँ मामी और का छत, सो ऊपर तो जाऊँगी नहीं मैं। सो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ का मौसम बहुत ही सुहाना हो चुका है, सो मैं बताती हूँ आपको मौसम, ये रहा मौसम। मैंने आपको सुबह बताया जो मतलब 13 और 14 को मनाई जाती है बैसाखी। सो बेसिकली बैसाखी पर्व त्योहार भी माना जाता है, खुशी का त्यौहार भी मनाना जाता है, लेकिन हाँ हर ये हर मतलब हर वक्त सब तो इन्जॉयमेंट करेंगे, लेकिन एक चीज़ की दुखी भी होता है दिल, जब मतलब जो मतलब जलियांवाला बाग में अमृतसर जब मतलब मेरे को नाम तो याद नहीं पता होगा, जब ब्रिटिश जर्नल ने जब मतलब सबको जलियांवाला बाग गेट के अंदर बंद कर दिया था, जब फायरिंग की थी, गोलियां चलाई थी, वो दिन भी बहुत दुखी का था। 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था, मतलब दुखी भी बहुत हूँ, लोगों के आत्मा को शांति मिले, भगवान सबकी मतलब उनके आत्मा को शांति दे। सो दुखी भी बहुत तरह से मनाई जाती हैं, कुछ लोग तो इस दिन को मतलब याद भी करते हैं, उनके आत्मा की शांति के लिए मतलब प्रार्थना भी करते हैं। सो बस यही था। सो कुछ लोग तो खुशी से भी बनाते हैं, धूमधाम से बनाते हैं। भाई सबसे ज़्यादा ये ब्लॉग बनाया जो मतलब ये पा रहा है क्राई स्कूल, और सबसे ज़्यादा लोग इससे इन्जॉयमेंट करते हैं, जो बनाते हैं चढ़ाते हैं पिंक बना के इन्जॉयमेंट कर लिया जाता है इस मतलब इस त्यौहार। अभी मैं ऊपर ब्लॉग बना रही थी और जा रही नहीं की मेरे को कॉल कि फटाफट जल्दी से नीचे आ जा, मैं दुकान पे आई हुई हूँ, तो फिर चलूँगी तेरे नानी माँ के घर। सो अभी मैं उसे पिकअप करने के लिए जा रही हूँ, लेने के लिए जा रही हूँ। सो उसके साथ माही भी आई होगी। सो ये रहा अनार का बूटा। सो बस जा रही हूँ अभी नीचे वहाँ पे। सो गाइस ये मेरी फ्रेंड जानवी, आप इसे जानते होंगे। सो आर यू सी दिस गाय? हेलो, ये सारे फुल फिट गाय, फुल फिट गाय। हेलो गाइस, ये मेरा हेलो गाइस, ये मेरा मेरी मामू की बेटी है। तो क्या नाम है आपका? माय नेम इज दीक्षा सुधार। माय नेम इज मानो सुधार। माय नेम इज माही सुधार। माय नेम इज माय तो ये सब मैं, ये सब कल आपको एक ब्लॉग में मिलेंगे। हमने एक ब्लॉग के बारे में सोचा हुआ, तो कंफर्म है हमारा डेफिनेट वो कल ब्लॉग बन जाए। सो आप सब ये नमूने वहां पे दिखेंगे, फुल शीट गाय। मैं ब्लॉगर हूं मेरे भाई, ये है माही। सो माही कल एक मेन रोल अदा करने वाली है। पागल उल्टियां चल रही हैं, उल्टियां कर रही हो साथ में। ये देखो जो खोता है यहाँ में हमारा जा रहा है, ये ठीक है। आप सब कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं घूमने। चलो ठीक है फिर, मैं
घर जा रही हूँ, जाओ आप सब। ओ आप बच्ची ने चल ऊपर हैं, ओ ऊपर चल, बस इस दुकान तक आपको यहाँ पे सब कुछ बताऊंगी। ये देखिए, ये हमारा गांव है मुरादपुर। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं आपको सबका इंटरव्यू कराऊंगी यहाँ पे। सो ये देखिए कि अंजलि जी हैं मेरी सिस्टर, जिनका ये फोन है जहाँ पे हम व्लॉगिंग कर रहे हैं। कैसे हैं आप अंजलि जी? बहुत अच्छे, बके सबसे मिला दो। अच्छा सुदीक्षा जी आप कैसे? देखिए इधर इधर सिलेंडर ले चले। अच्छा आप कैसे हैं जी अर्पणा जी? आप ठीक हो? आप कैसे भैया? आप कैसे हो? अच्छा आप कैसे हैं? वो देख सकते हैं वहाँ पे कुत्ता भौंक रहा है, आपको मिल रहा होगा। जैसे यहाँ पे ये बंदे भौंक रहे वैसे वहाँ पे भौंक रहा है इंसान को देख के कुत्ता। ये देखिए ये सब जंगली पाल्टी है मुरादपुर की। ये सब कंजर पार्टी है यहाँ पे आई हुई। सो गाइस फाइनली इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहाँ पे एंड। आजो एंड कर रही हूँ, सब आजो। ओम फो बाय बाय गाइस, सो हम अभी घर जा रहे हैं क्योंकि हमने घर जाके रोटी खानी है। ओम फो, सो मिलते हैं कल। ठीक है बाय 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 कर दो सबको। बाय 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 अरुणा ब्याह कर, बाय कर दो सबको। ओम फो कल मिलते हैं ना। जा रहे घर पे? हाँ जा रहे। कल एक खतरनाक ब्लॉग मिलेगा। हाँ मिलेगा। Hey guys, so guys अभी हम इस ब्लॉग को करते हैं एंड। एंड क्या दांत दिखा रहा है? So guys मिलते कर लेंगे तब तक के लिए बाय बाय।